नियॉन का पेनिस्टिक कंसीलर और ये है एरियस का पेनिस्टिक कंसीलर। तो आज के मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि इन दोनों कंसीलर में कौन सा बेस्ट है, कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए ये मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगी, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एरियस पेनिस्टिक कंसीलर। ये जो पेनिस्टिक कंसीलर, आप इसकी पैकेजिंग से पहले आप देख सकते हैं, इसकी जो पैकेजिंग है वो काफ़ी अच्छी दे रखी है। और जो मैं बात कर लेती हूँ ये मियॉन के कंसीलर के बारे में, तो इसकी पैकेजिंग है जो काफ़ी क्लासिक और बहुत अच्छी, इसकी जो पैकेजिंग इन्होंने दे रखी है। तो कर लेते हैं प्राइस की दोनों की। तो जो इसका प्राइस है मियॉन का, इसका प्राइस है 200 और एरियस जो कंसीलर इसका प्राइस है आपको पड़ेगा 160 का। तो अब दोनों में बात कर लेती हूँ कि ये सब बात हो गई कि क्या इसका वेट कितने ग्राम है और उसके साथ साथ क्या इसका प्राइस है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये कैसे ओपन होता है। तो आपको मोस्टली पता है कि सारे कंसीलर अगर आपने यूज़ किया तो सारे कंसीलर यहाँ से निकल सकते हैं और कुछ लिपस्टिक की तरह आपको ऐसे घुमाना है, तो ये यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और आप इसका एरियस का है, इसको जैसे बस ऐसे आपका ऐसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ दोनों को कि इनमें से कौन सा ज़्यादा अच्छा है। तो अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ, ये है मियॉन का पेनिस्टिक कंसीलर, तो उसको मैं इस हैंड पे अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं दोनों में फ़र्क, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, आप दोनों में फ़र्क देख सकते हैं। जो ये मैंने अप्लाई किया था ये मियॉन का था, और जो इसका जो आप कवरेज देख सकते हैं, और ये एडियस का कंसीलर है, आप इसका कवरेज देख सकते हैं। तो आपको खुद ही रिजल्ट साफ साफ दिख रहा होगा आपको कौन सा ज़्यादा पसंद आया है। और जो एडियस का पेनिस्टिक कंसीलर है, इसमें भी जो शेड है ये मेरा शेड नंबर 3 है, 3 नंबर है। और जो मियॉन का इसमें ये भी 3 नंबर है, आप देख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा ये पहला और जो दूसरा आता है शेड नंबर वो होता है फेयर स्किन वालों के लिए, और जो वैसे डार्क थोड़ी स्किन है तो उनके लिए 3 सही है। तो जो मियॉन के कंसीलर आते हैं उसमें 4 शेड आते हैं, जिसमें से मैंने तीसरा शेड लिया मैंने। और अब आप देख सकते हैं कि क्या इसका रिजल्ट है। और मैं स्मेल की बात कर लेती हूँ, तो अगर स्मेल की बात करें तो दोनों की स्मेल लाइट है, ज़्यादा वैसी नहीं है। तो अगर आपको कोई स्मेल से कोई एलर्जी वगैरह है तो आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लाइट स्मेल है। तो अब आप बता सकते हैं, आप खुद चूज़ कर सकते हैं आपको कौन सा ज़्यादा आपको कंसीलर पसंद आया। और इस कंसीलर की एक सबसे अच्छी बात है कि आपको इसके लिए फाउंडेशन नहीं लेना होगा, क्योंकि इसको लगाने के लिए आपको कंसीलर फाउंडेशन दोनों ही सेम होता है, तो इसका ये प्लस पॉइंट है। और आप देख सकते हैं जो एडियस का जो मैं सॉरी मियॉन का जो मैंने कंसीलर यूज़ किया था, ये यूज़ करने के बाद थोड़ी साइनिंग आती है, आपके कुछ सेकंड्स के बाद आपके हाथ में साइनिंग आएगी, और जो कि इस पर आपको नहीं दिख रही। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू वॉचिंग दिस माई वीडियो, बाय बाय।